आधार। आज हमारे जीवन में आधार कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है। अब हम कोई भी सरकारी या निजी काम आधार कार्ड के बिना नहीं कर पाते। कहीं नौकरी के लिए ज्वाइन करना हो या किसी मकान की रजिस्ट्री करानी हो, हमें आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बना है, या फिर उन्हें अपने छोटे छोटे बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए आधार सेवा केंद्र में जाकर घंटों लाइन लगाना पड़ता है। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज बात आपके काम की में हम आपको घर बैठे आधार कार्ड बनाने का आसान तरीका बताएंगे, जिससे आप आधार कार्ड से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ ले सकें। सबसे पहले आपको बता दें कि आधार कार्ड क्यों जरूरी है। दरअसल आधार कार्ड पर लिखे पते को पुख्ता प्रमाण पत्र माना जाता है। उस पर जो संख्या लिखी होती है वही व्यक्ति की जीवन भर की पहचान बन गई है। इस आधार संख्या से आपको बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन, सरकारी व गैर सरकारी सेवाओं की सुविधाएं, स्कूल कॉलेज में एडमिशन, रजिस्ट्री आदि कराने के लिए हर सेक्टर में अपना पहचान बताना जरूरी है। ऑनलाइन मेथड से आधार कार्ड बनवाने के लिए कई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण जैसे बिजली बिल, पानी का बिल, बैंक अकाउंट डिटेल्स, राशन कार्ड या गैस बिल, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस शामिल है। अगर आप घर बैठे मोबाइल से आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं। होम पेज पर माय आधार के ऑप्शन में जाने के बाद बुक एन अपॉइंटमेंट पर क्लिक करें। फिर बुक एन अपॉइंटमेंट एट रजिस्टर रन आधार सेवा केंद्र के नीचे प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट को चुनें। इसके बाद अगले पेज पर अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालकर सेंड ओटीपी के बटन को क्लिक करें। मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भरकर सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। अब अगले पेज पर न्यू इनरोलमेंट को सिलेक्ट करें। इसके बाद निजी जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि और सभी जानकारी को भर दें। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन को क्लिक करें। फॉर्म में भरी हुई जानकारी को दोबारा से चेक करने के बाद सबमिट कर दें। यहां पर अगले पेज पर डाउनलोड रिसिप्ट को सिलेक्ट करके अपनी आईडी डाउनलोड कर लें। इसके बाद रसीद और जरूरी दस्तावेजों को लेकर नजदीकी जनसेवा केंद्र जाएं। यहां पर आपके बायोमेट्रिक यानी कि 10 उंगलियों, आंखों की स्कैनिंग होगी। इसके बाद रिक्वेस्ट डाल दिया जाएगा। इसके 3 महीने के अंदर आपका आधार कार्ड दर्ज पते पर आ जाएगा। बता दें कि UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार बनवाने के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं रखी है, तो आप अपने जन्मजात बच्चे का भी आधार बनवा सकते हैं, क्योंकि स्कूल में एडमिशन के समय भी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ही मांगा जाएगा। तो इसके लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए भी यही प्रोसेस लगता है। सिर्फ 5 साल से कम उम्र के बच्चों के मामले में कोई बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर नहीं किया जाता है। अगर बच्चा 5 से 15 साल के बीच की उम्र का है तो बायोमेट्रिक डेटा लेना अनिवार्य है।